एक बात ध्यान से सुन, ये ड्रामा करके तुम मेरे दिल में तो क्या, इस घर में भी जगह नहीं बना पाओगे। घूर क्या रही हो मुझे? तुम हमें गलत समझ रहे हो सहरी बाबू। हो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, पर अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी से। हमने भी खाना खा लो है और घर के बाकी सब लोगों ने खाना खा लो। ये तो चाची ने कही हमसे कि हम तुम्हारी राह देखें। काहे कि तुम्हारे खाने के बाद ही रसोई घर की साफ सफाई पूरी तरह से हो सकत है। अब तुम जल्दी से खाना खा लो ताकि हम काम निपटा के सोने जा सके। हमें बहुत नींद आ रही है। ओह गॉड, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। आई थॉट कि ये टिपिकल भारतीय नारी की तरह अपने पति का वेट कर रही है खाने पर। बट थैंक गॉड आई वाज रॉन्ग। नहीं खाना मुझे, मैं बाहर से खा के आया हूँ। बाहर ही खाने आते तो पहले ही बता ही देते, बेकार में हमारी नींद को घाटो कर दो। अनुषा के साथ डिनर पे गया था मैं, और हाँ, अनुषा से दूर ही रहना, कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की, समझी? मॉम, आप अभी तक सोई नहीं? कैसे सो सकती हूँ? मेरी बेटी इतने रात गए बाइक पर बारिश में घूम रही थी। जाओ जाके चेंज कर लो वरना सर्दी हो जाएगी। डोंट वरी मॉम, जैसे ही बारिश शुरू हुई मैं और आयुष एक पेड़ के नीचे रुक गए। क्या जरूरत थी बारिश शुरू होते ही एक पेड़ के नीचे रुकने की, और फॉर दैट मैटर बारिश में बाइक पर घूमने की? कार है ना तुम्हारे पास? I don't understand. अगर तुम्हें आयुष की बाइक पे बैठने से प्रॉब्लम नहीं है तो उसे तुम्हारी गाड़ी में बैठने से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है मॉम, हमें बस बहुत देर हो रही थी इसलिए मैंने ड्राइवर को वापस भेज दिया। तो ड्राइवर को वापस बुला भी सकती थी अनुषा? जरूरत नहीं थी मॉम, और मुझे वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बारिश से। एग्जैक्ट, तुम्हें किसी चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सारी प्रॉब्लम तो उन्हें है। उन्हें ये पसंद नहीं आएगा, उन्हें वो पसंद नहीं आएगा। ओ कम ऑन अनुषा, कब तक अपनी लाइफ को आयुष की चॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करती रहोगी तुम? प्लीज फॉर गॉड सेक बाहर निकलो इस टिपिकल इंडियन वुमन मेंटालिटी से। मॉम आई लव आयुष, प्यार करती हूँ मैं उससे, अरे उसके सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। एंड व्हाट अबाउट योर सेल्फ रिस्पेक्ट अनुषा? ये कॉम्प्रोमाइज है, ये सब करके तुम सिर्फ और सिर्फ आयुष की ईगो सेटिस्फाई कर रही हो। लुक एट मी, मैंने भी विनय से शादी की लेकिन कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैंने अपनी जिंदगी हमेशा अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जी। तो मैं भी तो आप ही की बेटी हूं मॉम, मैं भी वही करती हूँ जो मुझे सही लगता है। इनफैक्ट आई फील दैट आयुष के साथ बाइक पर घूमना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। आई फील सो हैप्पी, मैं भी अपनी लाइफ अपने ही टर्म्स एंड कंडीशंस पर जी रही हूँ। इट मीन्स आई एम ऑलरेडी फॉलोइंग यू। गुड नाइट मॉम। शादी हुई नहीं है तो ये हाल है इस लड़की का, शादी के बाद तो ये आयुष की गुलाम बन के रह जाएगी।
ये क्या स्वाति? कायो स्वाति सच बताना, क्या मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ? नहीं तो किसने कहा आपसे? अब अंजलि को अपनी गलती रियलाइज हो गई है ना, अब सब ठीक है। जानती है स्वाति, मेरे स्टूडेंट मुझे किस नाम से बुलाते हैं? प्रोफेसर कंजूस कोकले। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं उन्हें कंजूसी से मार्क्स देता हूं। मानता हूं कि मैं उन्हें कम मार्क्स देता हूं, लेकिन उनके भले के लिए, ताकि वो और मेहनत करें और फाइनल में अच्छा परफॉर्म करें। मैं अपने हर स्टूडेंट को रियल लाइफ का हीरो बनाना चाहता हूं, पर वो लोग मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा विलेन समझते हैं। बाहर वालों को क्या दोष देना, यहां तो घर में भी ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, फिर चाहे वो घर हो या यूनिवर्सिटी। पर सबको तो गलत लगता है ना। आप क्यों सोचते हैं सबके बारे में? हमारे लिए तो आप बिल्कुल गलत नहीं हो। हाँ, अभी घर में कोई तो एक स्ट्रिक्ट होना चाहिए ना, वरना अगर किसी का डर ही ना हो तो बच्चे बिगड़ नहीं जाएंगे। अच्छा, तो बच्चों की नजरों में बुरा मैं बनूं और सारा क्रेडिट तुम लोग ले जाओ? वाह, वेरी गुड। अब मैं तो स्ट्रिक्ट हो नहीं सकती, मुझसे नहीं होता ये सब। मैं जब जॉब करती थी तब भी मैं अपने जूनियर स्टाफ के साथ कभी स्ट्रिक्ट नहीं हो पाई। मिस करती हूँ ना अपने उन दिनों को, घर की चार दीवारी से बाहर, डेली की बोरिंग रूटीन से हटकर बैंक में रोज नए नए लोगों से मिलना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना। स्वाति, मुझे बहुत गिल्टी फील होती है, मैंने तुम्हारी जॉब छुड़वा दी। आपने नहीं, अपना घर और बच्चे संभालने के लिए मैंने मेरी जॉब छोड़ी। पता नहीं क्यों स्वाति, हमारी सोसाइटी में फैमिली के नाम पर हमेशा औरतों को ही समझौता करना पड़ता है, सारे सेक्रिफाइस औरतों को ही करने पड़ते हैं। आपने भी बहुत सारे सेक्रिफाइस किए हैं इस घर के लिए, दिन रात बड़ी मेहनत की है यहां तक पहुंचने के लिए। अको भाई, तुमसे दूध गार हुई ना अलिस। हाँ, मैं भी बहुत बार मिस करती हूँ अपने जॉब को, पर ये भी सच है कि मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि वो फैसला मेरा अपना था, किसी ने मजबूर नहीं किया था मुझे जॉब छोड़ने के लिए, और मैं आज भी उस फैसले से बहुत खुश हूँ। पति पत्नी गाड़ी की दो पहियों की तरह होते हैं, अगर एक भी काम नहीं कर रहा हो तो गृहस्थी की गाड़ी चल नहीं पाती। आदमी घर के बाहर की जिम्मेदारी संभालता है और औरत घर के अंदर उसके परिवार की, बच्चों की जिम्मेदारी, उन सबको समझौती है। आप मुझे एक बात बताइए, हम दोनों अपना काम अच्छी तरह से और खुशी से कर रहे हैं ना, बस हो गया, तो और क्या चाहिए हमें? चलिए, रात बहुत हो चुकी है, दूध पी लीजिए और सो जाइए। अरे क्या हुआ, कितना टाइम लगेगा? और आज शॉपिंग के लिए जाना भी है कि नहीं? आले 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 क्या है, अभी से आले आले ही सुधरा हूं मैं। इतना कम टाइम है, इतनी सारी शॉपिंग करनी है, कब आओगे, कब जाएंगे हम? बाबा इतने में ए, 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 तुम कहाँ जा रही हो? कंप्यूटर क्लास है?
बताया था ना मैंने आपको कि मैं कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर रही हूँ। अरे हाँ। चलो बाय, एंजॉय शॉपिंग। ये लोग टाइम पे आए तो हम शॉपिंग जाएंगे। ये क्या, तुम दो ही आ गए? तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम्हारी चाचियाँ कहाँ है? रेडी हो रहे हैं। अच्छा, उन्होंने हमें पर्स दे के भेज दिया और बोले आप लोग जहाँ हम आते हैं। वाह, मुझे तो लगता है आज इस पर्स के साथ ही शॉपिंग में जाऊंगा मैं बस। जब तक वो लोग तैयार होके आते, आप आराम से बैठ के चाय पियो। आराम से बैठने का वक्त नहीं है अभी, मुझे तो लगता है चाय क्या, खाना खा के ही निकलेंगे हम लोग। अच्छा चलो चाय तो दे दो, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, औरतों को तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगता है? अच्छे दिखने के लिए है? हाँ, बाहर जाने में तो अच्छा दिखने जरूरी है कि नहीं? एक और बात जरूरी है। क्या? आपकी सेहत, इतना ज्यादा परेशान हो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे नाना हमेशा कहते बहुत ज्यादा चिल्लाने से ना रक्तचाप बढ़ जाते। हाँ, हमारे नाना जी ठीक ही कहते हैं। और एक बात मेरी समझ में आ रही है कि औरतों को तैयार होने में तो टाइम लग ही जाता है, लेकिन मर्दों को बिल्कुल नहीं लगता। अरे तुम्हें पता है, मैं छोटा था ना तब दूध लेने के लिए मैं तो बनियान और पायजामे पे चला जाता था। रियली? हाँ बिल्कुल। ये भाई ना बात, सदा ऐसे मुस्कुराते रहना चाहिए। हमारे नाना कहते हस्बैंड से अच्छी कोई दवाई नहीं है जो संसार में। हमारी टीचर भी ऐसे ही कहते हैं, है ना? अरे भाऊ, आप अभी भी चाय पी रहे हो? शॉपिंग पे जाना है, लेट हो रहा है हमें। चला। अरे काहे भाई है। अच्छा चला चला। बच्चों तुम जल्दी जाकर बाहर दो ऑटो खड़े, उसमें जाके बैठो। चलो चलो चलो। कैसी लगी? हाँ बहुत अच्छी। चलो अभी सवाल पूछ रहे, कैसी है, क्या जवाब तुम अभी? अच्छा वही, अकेले घर में रहेगी ना, डरेगी तो नहीं? डरे हमारी जूती, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। अच्छा मोहित सुन, सब्जी काट लेना और आटा गूंद के रखना, ठीक है? हाँ। चल। दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। और हाँ, ये दरवाजे का लॉक है ना, वो देखना। रुको मैं बताती हूँ। ये बटन है ना, वो ऐसे दबाओगी तो ये लॉक हो जाता है दरवाजा, और ये खोलोगी तो ये बटन बाहर आएगा तो दरवाजा अनलॉक हो जाएगा, ठीक है? देखो जमाना बहुत खराब है, चोर उच्चक के घूम रहे शहर में। और वैसे भी आजकल ताला तोड़ के चोरी करना तो पुरानी बात हो गई है। जैसे ही पता चले घर में कोई नहीं है या कोई अकेला हो तो बस घुस जाते हैं दरवाजा तोड़ के और सब लूट लेते हैं। हो ते शिंद्यांकडे असंच नाही का झालं? एक जेंटलमैन टाइप का आदमी घर में आ गया। का जेंटलमैन जो वो सूट बूट पहने थे और महंगे वाले जूते पहने थे वो? हाँ वही, गाड़ी खराब होने का नाटक करके पानी चाहिए ऐसे बोला। इसके लिए मिसेस शिंदे अंदर किचन में चली गई तो ये अंदर घुस आया और बंदूक दिखा के लाखों की ज्वेलरी और कैश लेके चला गया। अगर ये बात है ना, आप लोग तनिक भी चिंता नहीं करो, ये घर की रखवाली हमारी जिम्मेदारी है, हम बरोबर निभाए हैं। हम भी देखा थे कैसे हिम्मत हुई है जैसे शहरी डाकू की इतने आबे की। हम एकदम सजाग और सावधान रहे। अच्छे से संभाल लेना। अरे बाबा बस, अभी उसको कंफ्यूज मत करो। चलो अब तो और एक बात, और एक बात करते करते चलो चलो चलो, 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 चलो। नहीं करो, ठीक से रहना। देखा था कैसे कोनो सही डाकू इतने आबे की हिम्मत कर। आयुष, तुम बाइक चला रहे हो? हाँ। हेलमेट पहनी है? नहीं। तो फिर अभी साइड में लगाओ और हेलमेट पहनो, वरना मैं तुमसे बात नहीं करी। अरे पर मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, और लेट हो जाऊंगा। ठीक है,
तो फिर बाद में बात करते हैं। हाँ हाँ बाबा, बस 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 मैं साइड पे लगा ही रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ ये लो, अब मैं मेन रोड से हटके बिल्कुल दीवार से चिपक के खड़ा हूँ, अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। सीरियसली अनुषा, तुम भी ना कभी कभी ऐसा बिहेव करती हो जैसे कि मैं कोई बच्चा हूँ। तुम्हें याद दिला दूँ कि हमारी शादी होने वाली है। अब मुझे तो डर है कहीं शादी के बाद ऑफिस जाते वक्त तुम मेरे हाथ में टिफिन बॉक्स एंड वाटर बॉटल ना थमा दो। वैसे मैं ये भी कर सकती हूँ अगर तुमने अपनी बच्चों वाली हरकतें छोड़ी नहीं तो। ऑलराइट मैडम, हम कोशिश करेंगे कि ऐसी नौबत ना आए। अच्छा ये बताओ कॉल क्यों किया था? यूं ही गुड मॉर्निंग कहने। लिसन, मुझे बहुत देरी हो रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। अरे लेकिन कमाल है, गुड मॉर्निंग कहने के लिए इतनी एक्सरसाइज करा दी मेरी। गॉड, ये लड़कियां भी ना। रेली, बात हो गई? हाँ दादा बात हो गई। ये जो अनंत चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा आ रही है ना, वो बहुत ही शुभ मुहूर्त है आयुष और अनुषा की एंगेजमेंट के लिए। ओह दैट्स ग्रेट, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छू, जमाना हो गया है आई से बात करते हुए, अभी भी उनकी आवाज उतनी मीठी है क्या? हाँ दादा उतनी ही मीठी है जितनी आपको उनकी यादें मीठी मीठी लगती हैं। आई बिल्कुल ठीक है दादा। आपको पता है अनुषा की एंगेजमेंट की बात सुनकर आई इतनी खुश हो गई, उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था कि हमें आयुष के घर वालों को बता देना चाहिए एंगेजमेंट के बारे में। मैं अभी उनके घर के पास ही उनको मिलकर बता देता हूँ, क्या ख्याल है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक है दादा, शुभ काम में देरी कैसी। और सुनिए, मिठाई लेके जाइएगा, खाली हाथ मत चले जाइएगा। ये अच्छी याद दिलाई तुमने, मेरे दिमाग में तो बात घुसती नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके यू टेक केयर, बाय। ठीक है दादा बाय। आयुष के घर पर फोन करके बताऊं कि मैं आ रहा हूँ? नहीं। सरप्राइज ही अच्छी बात। आयुष, ये इंपॉर्टेंट स्टोरी है, एक बार चेक कर ले। वो ब्रेकिंग न्यूज सुनी? ब्रेकिंग न्यूज? वो नीता है ना, लास्ट वीक जिसने एडमिन सेक्शन में ज्वाइन किया है। कौन नीता? तू नहीं जानता, आनंद सर के लिए टोटल पागल है वो, उनके कैबिन में जाने के बहाने ढूंढती है। अरे उसे जो करना है करे, हमें क्या। और वैसे भी आनंद सर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, नीता हो या मीता, वहां उनकी कोई दाल निकलने वाली, समझा? अब तू जा, मुझे काम करना है। आयुष तू है ना एकदम बोरिंग हो गया है, बिल्कुल वेंकट की तरह। वेंकट? अभी वेंकट कौन है? वेंकट को भूल गया, वो अपनी क्लास में था ना, वो लंबी नाक वाला गोल चश्मा पहनता था। अरे अपनी क्लास टीचर का फेवरेट स्टूडेंट। ओह इतना प्यार। ओए शर्म नहीं आती तुझे दूसरों का पर्सनल मैसेज पढ़ते हुए? दूसरों का कहा, मैं तो अपनी होने वाली भाभी का मैसेज पढ़ रहा हूँ, और वैसे भी तू तो मेरा चड्डी बड्डी यार है। अच्छा सॉरी यार, तू इतना लेट मत कर, मैसेज का रिप्लाई कर दे अनुषा को। क्या है ना, खूबसूरत लड़कियों को इतना इंतजार नहीं करवाते। ले ले ले, तू ही रिप्लाई कर ले। अच्छा नहीं देख रहा, बस सीरियसली तू बहुत लकी है जो तुझे अनुषा जैसी लड़की मिल गई। पता नहीं पिछले जन्म में तूने कौन से ऐसे अच्छे कर्म किए होंगे, इतनी स्वीट, इतनी केयरिंग, इतना प्यार करने वाली,
ऐसी लड़की तुझे नहीं मुझे मिलनी चाहिए थी। हाँ क्या कहा तूने? तू टेंशन मत ले यार, मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ ना मेरा वहां पे कुछ नहीं होगा। शी लव्स यू। और वैसे भी आजकल के जमाने में तेरे जैसा कमिटेड लॉयल एंड फेथफुल बॉयफ्रेंड कहाँ मिलेगा यार। तुम जैसे जा रहे हो ना वैसे ही वापस आ जाना, वहां जाकर किसी गांव की गोरी के चक्कर में मत पड़ जाना। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।